कैनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में अशोकनगर के कम्युनिटी हॉल में कैनरा बैंक के अधिकारियों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवीन सिंह को कैनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्री चुना गया। नवीन सिंह को महामंत्री बनाए जाने पर बैंक कर्मियों ने खुशी जाहिर की। इसके साथ उनका जन्मदिन भी बैंक कर्मियों ने सेलिब्रेट किया। मौके पर बैंक कर्मियों ने कहा कि नवीन सिंह को महामंत्री बनाए जाने पर झारखंड बिहार जोन के जितने भी बैंक कर्मी हैं सबों में खुशी है। साथ ही सभी ने बैंक से संबंधित कई जानकारियों को भी साझा किया। देखिए, झारखंड में हमने इसकी शुरुआत 2016 में की थी इसी धरती पर से, और आज पूरे पैन इंडिया में कैनरा बैंक में ही नहीं अन्य बैंकों में हमारा संगठन का प्रसार हो रहा है। आज फेलिसिटेशन को हम इसलिए मैंने सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे, चाहे साउथ के एकदम माने रिमोट में चल जाओ या कहीं भी इंडिया में चल जाओ, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको बिहार झारखंड के ही लोग मिलेंगे काम करते हुए। हर जगह साउथ के लोग यहाँ काम करते नहीं मिलेंगे। हमारी संख्या रहते हुए कभी नेतृत्व जो है कोई भी ट्रेड यूनियन इस इधर के लोग को नहीं दिया, हमेशा साउथ के लोग रहे या अदर स्टेट के लोग रहे, लेकिन बिहार झारखंड के लोग फर्स्ट टाइम किसी ट्रेड यूनियन ने इधर के लोगों को जनरल सेक्रेटरी का रूप का दायित्व दिया। तो आप समझ सकते हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसीलिए लोग उत्साहित हैं और ये आने वाले दिनों में बैंकिंग का दिशा और दशा दोनों तय करेगा। आज का जो हमारा ये कैनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये कार्यक्रम किया गया है, हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री नवीन सिंह जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी महामंत्री बने हैं, उनके सम्मान समारोह में आज हम सभी हमारे कैनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं वो आज एकत्रित हुए हैं और उनके सम्मान समारोह के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, और साथ ही साथ उनका आज उनका जन्मदिन भी है, इस अवसर पर भी हम सभी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज हमारे जो महामंत्री बने हैं CBO के लास्ट कॉन्फ्रेंस में जो 23 अप्रैल को हुआ था उसमें, तो उन्हीं के सम्मान समारोह में आज हम लोगों ने ये दिन रखा, और ये दिन हम लोगों ने इसलिए भी रखा कि हमारे महामंत्री का जन्मदिवस भी है, तो हम लोगों ने दोनों सेलिब्रेशन कर लिया। इसमें जो हमारे GM सर आए थे, उन्होंने हमारे बैंक के बिजनेस के बारे में बताया कि लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आगे जो जो हमें करना है सर ने उसके लिए बताया, और अभी जो बहुत चर्चा में है LIC IPO उसके बारे में सर ने कहा कि उसमें हम अभी टॉप रैंकिंग में सेकंड रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो हम लोग अचीव करेंगे भी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंडिया फैला हुआ है, लेकिन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हमारे बीच झारखंड प्रदेश से निकले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सर जिनके साथ हमने काम किया है आज वो इस स्तर पर पहुँच पाए हैं। और इससे भी खुशी की बात ये है कि आज इस समारोह में हमारे जो सर्कल हेड हैं हितेश सर, वो उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें मोटिवेट किया कि हम बिज़नेस को और ऊंचाइयों तक ले जाएं, जिससे कैनरा बैंक का ओवरऑल नाम भी ऑल ओवर इंडिया में और ऊंचा हो, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। रांची से न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।